लहरों के खामोशी को, लहरों के खामोशी को समुंदर की बेबसी ना समझ ए नादा। लहरों की खामोशी को समुंदर का बेबसी ना समझ ए नादा। जितना समुंदर अंदर गहरा है उतना बाहर तूफान बाकी है, उतना बाहर तूफान बाकी है। दोस्तों, मैं राजीव कुमार आपका अपने YouTube चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं ट्रिकी मैथ के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही स्पेशल मैथ को, वर्गमूल निकालना मतलब स्क्वायर रूट पता करना। दोस्त, जिसको हम सेकेंडों में स्क्वायर रूट पता कर सकते हैं यदि वह पूर्ण वर्ग है तो। ठीक है दोस्त, आइए हम देखते हैं। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपस बने रहें और देखिए कितना बढ़िया बढ़िया ट्रिक आपको देखने को मिलता है। दोस्त, कहीं मत जाइए, पर देखिए तो सही, और पसंद में आ जाए तो आप लाइक जरूर कर लीजिए, नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्त, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए जिससे हमारे प्रत्येक वीडियो का अपलोडिंग आपके पास जाए। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। दोस्तों, वर्गमूल कैसे हम निकालते हैं, तो वर्गमूल हम निकालें उससे पहले कुछ बातें हैं, बेसिक बातें हैं, आप इसको जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। दोस्त, जैसे में बेसिक है आपका कि आप कम से कम 30 तक वर्ग याद रहना चाहिए, तो आपको बहुत फायदा करेगा। नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन यदि याद रखते हैं तो परीक्षा में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। दोस्त, तो आप प्रयास करें कि आपको 30 तक का वर्ग याद हो। जैसे में एक का वर्ग क्या होगा दोस्त, एक होगा, हम सबको पता है। दो का वर्ग चार होगा, तीन का वर्ग नौ होगा, चार का वर्ग सोलह होगा दोस्त, पांच का वर्ग पच्चीस होगा। आप कहीं नहीं जाइए, बस देखिए इसके बाद कितना इंटरेस्टेड हम चीज पढ़ते हैं, कितना इंटरेस्टेड ट्रिक पढ़ते हैं। दोस्त, छ का स्क्वायर 36, सात का स्क्वायर 49 हो जाएगा दोस्त, आठ का स्क्वायर 64, नाइन्थ का स्क्वायर 81 दोस्त, ऐसे ही 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर दोस्त 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर दोस्त 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर इक्वल टू 289, 18 स्क्वायर इक्वल टू दोस्त 324, 90 स्क्वायर 381 दोस्त। अब आते हैं 20 स्क्वायर 400 होगा दोस्त, 21 स्क्वायर 441, 22 स्क्वायर 484 होता है दोस्त, 23 स्क्वायर 529, 24 स्क्वायर 576, 25 स्क्वायर दोस्त 625, 26 स्क्वायर 676, 27 स्क्वायर 729, 729, 28 स्क्वायर दोस्त ये हो जाएगा 824, 864, 4 32, 4 64 को 4 हो जाएगा 6 लगा 8, 8 दुना का 16 32, 32 6 ये होगा 784 होगा दोस्त, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इतना आएगा। फिर 29 स्क्वायर 829, सॉरी 841 हो जाएगा, और 3 स्क्वायर मतलब 30 स्क्वायर हो जाएगा 900 दोस्त,
इतना कम से कम आप याद रखेंगे तो आपको बहुत ही फायदा करेगा, केवल केवल गणित में ही नहीं, केवल केवल वर्ग में ही नहीं, रीजनिंग में भी बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो आप इसको नोट कर लें कहीं बढ़िया से, रोज देखते रहें, आपको याद सा हो जाएगा, दिक्कत भी नहीं होगी दूर, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको याद रखना, ठीक है, इतना कम से कम याद रखें आप। इसके बाद जब भी हमको वर्ग निकालना होता है तो एक बात और ध्यान देना होता है, देखिए क्या, देखिए दोस्त, जब आप एक का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक का स्क्वायर 9 तक किए हैं, तो क्या क्या आया है, स्क्वायर करने में क्या आ सकता है, इकाई का अंक एक आ सकता है, दो आएगा क्या, देखिए फिर इसके बाद यहां से फिर एक एक हो गया, तो जो यहां आया रहेगा फिर यहां पर वही अंत में वही आया रहेगा। देखिए आप यहाँ पे एक, तो यहाँ पे एक आया 11 पर, यहाँ दो, यहाँ चार आया, चार आया है, यहाँ नौ, तो यहाँ नौ आया है, देख रहे हैं आप। तो जो एक से नौ तक का वर्ग होगा और इकाई का जो अंक होगा दोस्त, वही फिर आगे 11 का होगा, तो इकाई का अंक भी वही आएगा, फिर 21 से भी वही आएगा, मतलब ये बार बार आता जाएगा। मतलब आप इतना याद रखें कि एक से जब 9 का वर्ग किए हैं तो इकाई का अंक क्या क्या आ सकता है, वही आगे भी आएगा। तो हमको सब ध्यान नहीं देना, हमें केवल इकाई के एक से लेकर के 9 तक का वर्ग करके देखना है कि इकाई का अंक क्या क्या आ सकता है दोस्त, इतना बस याद रखिए। तो ध्यान दीजिएगा, एक आ सकता है क्या, दो आ सकता है क्या इकाई का अंक, देखिए कहीं दो आया हुआ इकाई के अंक पर, नहीं आया है। तीन आ सकता है क्या, नहीं। चार आ सकता है क्या, हाँ देखिए आया है, यहां पर भी आया है, यहां पर भी आया है दोस्त, तो चार आ सकता है, ठीक है। और देखिए एक भी यहां पर आया है, यहां पर भी आया है, एक भी आया है, चार भी आ गया, पांच, हाँ एक जगह आया है दोस्त, इकाई का अंक पांच भी हो सकता है जब हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, फिर दोस्त पांच हो गया, छह भी आ सकता है, देखिए छह यहां पर भी है, छह यहां पर भी है, ठीक है। सात नहीं आएगा, आठ भी देखिए नहीं आया कहीं, नौ आ सकता है दोस्त। तो देखिए आप इसको आप दिमाग रखिएगा, बस दिमाग में क्या रखिएगा, किसी संख्या का वर्क करने पर इकाई का अंक एक आ जाए, चार आ जाए, पांच आ जाए, छ आ जाए, नौ आ जाए, यही आ सकता है। इसके अलावा किसी का भी वर्ग इकाई का अंक इसके अलावा नहीं हो सकता दोस्त। तो ध्यान दीजिए, जिसके इकाई के अंक में ये होगा उसी संख्या का पूर्ण वर्गमूल संभव है, पूर्ण वर्गमूल संभव है दोस्त। अगर किसी के इकाई के अंक में ये लोग नहीं है, दो आ गया है, जैसे दो आ गया है, तीन आ गया है, सात आ गया है, आठ आ गया है दोस्त, ऐसे भी आ गए हैं, तो उसका वर्गमूल ही नहीं होगा, उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा दोस्त। जिसके इकाई के अंक में एक, चार, पांच, छह, नौ, ए लोग आए हुए हैं, उसी का वर्गमूल हो पाएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा दोस्त, कि जिसके इकाई के अंक में एक आया है उसका वर्गमूल क्या हो सकता है, तो उसका वर्गमूल देखिए ध्यान दीजिए, इकाई का अंक एक हो सकता है या इकाई का अंक नौ भी हो सकता है, क्योंकि नौ का भी स्क्वायर करने पर अंत में एक आएगा और एक का स्क्वायर करने पर भी एक आएगा दोस्त। तो वर्गमूल में थोड़ा सा दिक्कत ये होता है कि इसमें वर्गमूल जब निकालेंगे तो दो दो संख्या हमको प्राप्त होगी, जैसे यहाँ पे जिसके अंत में एक हो दोस्त, तो उसका वर्गमूल का जो वर्गमूल आएगा उसका इकाई का अंक एक भी हो सकता है, उसका इकाई का अंक नौ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का वर्ग करने पर अंत में एक आ रहा है, देख रहे हैं आप। ऐसे ही चार, तो जिसके अंत में चार होगा दोस्त, उसका वर्गमूल निकालेंगे हम, तो इकाई का अंक दो आ सकता है या इकाई का अंक आठ आ सकता है दोस्त। लेकिन छ जो हुआ दोस्त केवल एक ही संख्या में आएगी, नहीं दो में भी आएगी, देखिए इकाई का अंक चार है उसका भी छह आएगा, इकाई का अंक छ वाले का भी छह आएगा दोस्त, ये बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेकिन पांच वाला हमेशा क्या आएगा, एक ही मिलेगा आपको इकाई का अंक, ठीक है, पांच। तो ये ध्यान दीजिए, ये दो तीन बातें हैं जो आपको बहुत जानना जरूरी है दोस्त। अब देखिए हम कैसे वर्गमूल पता करते हैं, आइए हम देखते हैं दोस्त। जैसे में
आइए देखते हैं दोस्त कैसे आप इसको पता करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसे मान लीजिए मैं पहले वाले को हल कर रहा हूं, कैसे आप हल करेंगे? पहला क्वेश्चन, हमें 529 का वर्गमूल निकालना है। देखिए पहले चेक करिए कि वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, वर्गमूल संभव है कि नहीं पूर्ण के रूप में। अंत में 9 है तो निकल सकता है, क्यों? अभी हम लिखे थे दोस्त, क्या लिखे थे? कि जिसके अंत में एक हो, जिसके अंत में एक हो, चार हो, पांच हो, छ हो और 9 हो दोस्त, तो क्या होगा? उसका वर्गमूल संभव है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 9 है अंत में, वर्गमूल संभव है, लेकिन हम कैसे वर्गमूल निकालेंगे उसको देखते हैं। आइए ध्यान से देखने का प्रयास करिए, कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए दोस्त। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दो अंक लेते हैं, क्योंकि वर्गमूल में क्या होता है, वर्गमूल में वर्गमूल 1/2 होता है ना, घात 1/2 होता है, चक्रणी में ऐसे यहां 2 छिपा रहता है दोस्त, इसे वर्गमूल कहते हैं हम लोग, आपको पता ही होना चाहिए। तो वर्गमूल में यहां पे 2 निकालना होता है, इसे वर्गमूल कहते हैं, तो इसलिए आप क्या करेंगे, 2 अंक को ही लेंगे, बाएं वाले 2 अंक को लेंगे दोस्त, ठीक है। और जब 2 अंक को लेंगे और देखेंगे कि इकाई का अंक क्या है, 9 है, तो किस किस का वर्ग करने पर 9 आता है दोस्त, ये देख लीजिए फटाफट आओ। तो ध्यान दीजिए, इकाई का अंक 3 रहेगा तो उसका भी वर्ग करने पर 9 आएगा, और इकाई का अंक क्या रहेगा, इकाई का अंक 7 रहेगा तभी 9 आ सकता है। कैसे? 3×9 वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा, 7 का वर्ग करेंगे तो 49, 9 अंत में आ गया दोस्त, तो हमको 2 संख्या मिलेंगी, एक 3 भी हो सकता है, एक 7 भी हो सकता है, ठीक है, पता कर लीजिए। अब जो अंक बचा हुआ है दाएं साइड, उसको देखिए, उसको क्या देखना है दोस्त, कि जो संख्या बची हुई है दाएं साइड, वह संख्या किस किस वर्ग के बीच में है, मतलब कहने का कि 2 के वर्ग और 3 के वर्ग के बीच में है 5, जो इन दोनों के अलावा हम चेक कर लिया कि 29 अंत में इकाई का अंक 9 किसका किसका वर्ग करने पाता है, 3 का और 7 का करने पाता है, 2 लिख लिया हमने। अब इधर देखेंगे 5 बचा हुआ है, देखेंगे जो बचा हुआ है दोस्त, ये बचा हुआ संख्या किन किन के वर्ग के बीच में है, तो 2 का वर्ग 4 होगा और 3 का वर्ग 9 होगा, इन्हीं के बीच में है ना 5, ठीक है, तो 2 और 3 के वर्ग के बीच में है 5 दोस्त। तो जो कम वाला होता है, जिसका वर्ग कम वाला है, वही हमारा आंसर होता है दोस्त, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, यहां पर भी 2 लेंगे और यहां पर भी 2 रख देंगे। फिर सुन लीजिए इसको, ये जो संख्या बचता है यह किन किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में है, तो 2 का स्क्वायर 4 और फिर 3 का स्क्वायर 9, 4 और 9 के बीच में ही है ना, वो स्क्वायरों के बीच में ही तो है, तो जो स्क्वायर वाला में जो कम स्क्वायर है वही हमारा आंसर होता है दोस्त, और उसको हम यहां पर भी रखेंगे, 3 सामने भी रखेंगे और 7 के सामने भी रखेंगे। मतलब कहने का हमारा ये हुआ दोस्त कि 23 भी वर्गमूल हो सकता है इसका, 27 भी हो सकता है दोस्त, यही थोड़ा सा पसंद होती है हम लोगों को कि दोनों 2 हमको संख्या प्राप्त होती है वर्गमूल, लेकिन उसमें से कोई एक ही उत्तर होता है। अब वो उसमें से कौन है, 23 है 27 है, चेक करना होगा, तो एक काम हमको और करना पड़ता है दोस्त, आइए देखते हैं क्या करना पड़ता है, इतना समय में आ गया होगा। तो जिसका इसका वर्ग हम रखकर चेक किए थे अभी अभी कि किन किन संख्या के वर्ग के बीच में है दोस्त, उन संख्याओं का आपस में गुणा कर लो वर्ग को हटा करके, ठीक है। तो 2 और 3 को जब वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त, 6 हो जाएगा। ये संख्या किन किन वर्ग के बीच में है, उन दोनों संख्याओं को गुणा कर लीजिए वर्ग को हटा करके, तो 6 आ गया दोस्त, ठीक है, वर्ग गुणनफल 6 आ गया। तो 6 आ गया, जो गुणनफल आया है उससे उस 5 को, मतलब जो बचा हुआ संख्या था उसको चेक करिए, चेक क्या करना है, जो संख्या हम गुणा करने पाया है इससे जो है हमारा दिया हुआ संख्या वह वाली छोटा है कि बड़ा है, तो इससे छोटा है ना दोस्त, जब छोटा है गुणनफल वाले से क्या है, ये संख्या दी गई जो है वो छोटा है, तो इन दोनों में से भी उत्तर कौन सा होगा, छोटा वाला ही हमारा होगा, 23 होगा दोस्त, ठीक है। आप 23 कवर करिएगा इतना ही आएगा, ठीक है दोस्त, ये बात ध्यान दीजिएगा। अभी आप देखिए, देखिए यहां पर ये लिखा होगा, देखिए यहां पे
529, ठीक है ना, 23 का वर्ग। तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा लेकिन बड़ा आसान है। देखिए आगे सवाल हम कैसे करते हैं, फास्ट करते हैं, थोड़ा सा आपको अभ्यास की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा अभ्यास करिएगा, बड़ा आनंद आएगा। देखिए हम प्रश्न नंबर 2 को लगाते हैं दोस्त। 2 क्या है तो 34 81 है दोस्त, ठीक है। क्या करेंगे इसको हम, तो इसको हम यहां पे अंतिम दो अंक लेंगे। तो इकाई का अंक 1 है तो किसका वर्ग करने पर इकाई का अंक 1 हो सकता है दोस्त। हमने दो अंक लिया, पहले दो अंक लेते हैं, दो अंक लेना पड़ता है, ठीक है। तो एक तो 1 का वर्ग करने पर 1 आएगा और एक 9 का भी वर्ग करने पर 1 आएगा, 981 का इकाई का अंक 1 आ रहा है। अब हम इन दोनों को देखेंगे कि संख्या किसके किसके वर्ग के बीच में है। तो दोस्त 25 यानी 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36, 25 से बड़ा है 36 से छोटा है, हम दोनों के बीच में है दोस्त। तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे छोटा वाला, मतलब 5 स्क्वायर नहीं लेंगे, केवल 5 ही लेंगे वर्ग को हटा करके, ठीक है। तो वही हमारा यहाँ रख दिया जाएगा 5 और यहाँ पर भी 5। तो हमको दो आंसर मिल गए, 51 भी इसका वर्गमूल हो सकता है और 59 भी वर्गमूल हो सकता है दोस्त। लेकिन हम कौन लेंगे बताया हो ना अभी अभी हमने, कि जिसको हम वर्ग करके चेक किया हो, जिनके जिनके वर्ग के बीच में संख्या है उनके वर्ग को हटाकर गुणा कर लेते हैं, 5 6 30 गुणनफल 30 आ गया दोस्त। तो जो 30 गुणनफल आया है इससे हम चेक करते हैं दिए हुए संख्या जो हमारा अभी अभी था, जो सबसे पीछे वाला था 34। तो 34 जो है इस गुणनफल से छोटा है कि बड़ा है, इसको हम चेक करते हैं नीचे वाले से, गुणनफल वाले से, कि यह छोटा है कि बड़ा है। अगर इससे छोटा होगा तो उत्तर हमारा छोटा वाला होगा, अगर इससे यह बड़ा होगा तो उत्तर हमारा बड़ा वाला होगा। तो 30 से 34 क्या है, बड़ा है दोस्त। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, 59 बड़ा वाला, 51 से बड़ा 59 है, तो 59 आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 3481 आएगा, आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत। ऐसा वाला हम देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड देखते हैं ये वाला 46 24 दोस्तों, 24 है तो अंत में 2 रहेगा तभी वर्क करने पर 4 हो सकता है, या 8 रहेगा तभी हो सकता है दोस्त। ये तो हो गया, अभी 10 अंक का ये किसके बीच में है, तो 36 यानी 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में है दोस्त। तो क्या हो जाएगा, लेते हैं कम वाला, 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में है, लेते हैं कम वाला, बताओ ना कम वाला लेते हैं आप, जिसका स्क्वायर कम, मतलब जो संख्या का स्क्वायर है उनमें से जो कम संख्या उसको लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। तो उत्तर हमारा क्या हो गया, 62 भी उत्तर हो गया और 68 भी उत्तर हो गया दोस्त, ठीक है। आंसर कौन सा होगा दोस्त, तो इनके वर्ग को हटाएंगे गुणा कर लेंगे, ठीक है। कितना आएगा, 7 6 42, इसे हम चेक करेंगे, जो गुणनफल आया है इससे संख्या क्या है, छोटा है कि बड़ा है, यह छोटा है कि बड़ा है दोस्त। तो इससे तो यह बड़ा है, आंसर भी क्या हमारा होगा, इन दोनों में जो बड़ा होगा वही आंसर होगा दोस्त। ये हमारा आंसर है, किसका ये वर्ग था, 68 का वर्ग था दोस्त, ठीक है। तब समझ में आ गया होगा, देखते हैं अगला सवाल को, आइए देखिए दोस्त, देखते हैं हम इसको, चौथा सवाल को, 14 8 8 4। तब इसको पकड़िए, यहां भी 2 आएगा और 8 आएगा दोस्त, इधर 3 अंक बचा हुआ है, किसके बीच में है, तो ध्यान सकते हैं आप, 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में है, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, तो उससे बड़ा ही है, छोटा इससे दोनों के बीच में है दोस्त। तो हम क्या लेंगे, कम वाला लेंगे, मतलब लेंगे हम 12 यहाँ दोस्त, यहाँ भी क्या लेंगे हम 12, तो हमारा वर्गमूल ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, कौन सही होगा दोस्त, वर्ग हटाएंगे ऐसा गुणा हम कर देंगे, ठीक है। अब गुणा करना सिखाया गया है, चाहिए तो चाहिए तो गुणा डायरेक्ट कर लीजिए, 12 3 36 को 6 हो जाएगा, अब 12 3 15 दोस्त। अब देखिए जो हमारा उत्तर आया है इससे ये छोटा है कि बड़ा है दोस्त, जो हमारा संख्या थी देख सकते हैं, इससे ये क्या है, 148, इससे छोटा है ना, इसको हम चेक करते हैं, इससे इसको चेक करते हैं, जैसा ये छोटा बड़ा होगा आंसर हमारा वैसा ही होगा। तो इससे ये क्या है, तो देख सकते हैं छोटा है, तो आंसर भी हमारा क्या होगा, दोनों में छोटा ही होगा, 122 का ओवर गए, अर्थात इसका वर्गमूल कितना होगा, 122 होगा दोस्त। बात समझ में आ गई, देखते हैं अगला प्रश्न को, आइए अंतिम और अगला, 65 5 3 6 कितना होगा दोस्त, अंत में 6 है तो 6 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है दोस्त, ठीक है। अब इसे लेंगे, किनके किनके बीच में है आपको पता होगा, ये 25 के वर्ग और 26 के वर्ग के बीच में है, क्यों,
क्योंकि इसका होता है 625। अभी आप देखें नीचे लिखा हूं 625, इसका होता है 676, इनके बीच में ही तो है। देखिए 655 के बीच में ही है, क्योंकि 26 का वर्ग इतना हो जाएगा, 25 का वर्ग इतना हो जाएगा, तो हमको वर्ग के बीच में देखना है, संख्या के बीच में नहीं, वर्ग का देखना है। तो 25 का वर्ग इतना होगा, 26 का वर्ग इतना होगा, दोनों लगातार संख्या रहनी चाहिए, उनके बीच में होगा वही लेंगे हम। कौन लेंगे हम? लेंगे हम छोटा वाला, लेंगे 25 वाला, ठीक है ना। तो हम ये क्या करेंगे, 25 ये मत लिख दीजिएगा, ये नहीं, जिसका वर्ग किया गया ना उसके वर्ग हटा कर संख्या को लिखते हैं वहां पीछे, ये हो जाएगा इतना दोस्त। तो हमारा आंसर ये भी है, ये तो ये भी है। देखिए हम किसको लेंगे, वर्ग हटाएंगे गुणा करेंगे, तो 25 गुणे क्या करेंगे, 26, ठीक है दोस्त। अब इसमें गुणा करने पर जो आएगा उसे हम चेक कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्त। तो देखिए गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका, ये जाएगा 25 छका 150, कितना हो जाएगा दोस्त, जाएगा 25 छका 150 हो जाएगा 15, और 25 गुणा के 50, 15 कितना हो जाएगा 65, कितना आ गया 650। अब चेक करिए इससे संख्या क्या है, तो इससे तो ये बड़ा ही है, तो आंसर भी हमारा क्या होगा, बड़ा वाला ही होगा, मतलब 256 हमारा वर्गमूल होगा इस संख्या का दोस्त। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई, ठीक है दोस्त। जब समझ में आ गई तो आपको वर्गमूल समझ में आ जाएगा, अगर आप अभ्यास कर लेंगे, नोट बना लेंगे दोस्त। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे घनमूल निकालते कैसे हैं दोस्त, इसमें अभी थोड़ा सा चीज बाकी है, उसको देख लीजिए। पिछले वीडियो में हमने मल्टीप्लाई पढ़ाया था आपको, उसमें कुछ टाइप छूट गया था, वो टाइप देख लीजिए, टाइप 6 हमने टाइप 5 तक वहां पढ़ा दिया, जितने गुणनखंड जितने गुणनफल करने के तरीके थे हम पढ़ा दिए थे, एक टाइप छूट गया था उसे इस वीडियो में पढ़ा देते हैं दोस्त। आइए देख लीजिए, कहीं मजा आइए, देखिए इसको कितना बढ़िया ट्रिक है। देखिए दोस्त, जब भी हमें गुणा करना किसी में पड़े, और ध्यान रहे कि संख्या ऐसी है कि जिसको गुणा करने पर 100 या 1000 हो सके, संख्या ऐसी हो, दोनों संख्या में से कोई संख्या ऐसी हो जिसको गुणा करके हम 100 या 1000 बना सकें दोस्त, तो वैसी संख्या को गुणा करना बड़ा आसान होता है। देखिए कैसे बता रहा हूं, देखिए दोस्त अगर हम बात करें इसकी, तो 25 3 4 7 8 गुणे 25 से गुणा करना है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, तो इसमें से ये तो 100 नहीं बन पाएगा, लेकिन देखिए ये 100 बन जाएगा, गुणा करके 100 बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और जिस संख्या गुणा करना है वो संख्या खुद 100 बन सकती है, यदि ये 1000 बन सकती है दोस्त, तो हम करते क्या, ध्यान दीजिएगा, उस संख्या में गुणा करके हम 100 बना लेते हैं। तो गुणा किसे करना पड़ेगा इस 25 में, 4 से करना पड़ेगा दोस्त। तो देखिए ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या में आप गुणा किसी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे उतना ही भाग करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये 5 है, 5 में 2 से गुणा कर दिए, तो 2 से भाग भी कर दीजिए, 5 ही रहेगा, कोई मान में अंतर नहीं आएगा दोस्त। वैसे ही हम 4 से गुणा किया हूं तो 100 बन जाएगा, तो हमें 4 से क्या करना पड़ेगा, भाग भी करना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, तो 4 से भाग करेंगे तो देखिए ये क्या बन जाएगा, ये और बताइए यह क्या बन जाएगा, यह 100 बन जाएगा दोस्त। ठीक है, और ये भाग 4 से है ना, तो पूरी संख्या में 4 से भाग है, तो 4 का भाग इसमें कर दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्त, तो 4 5 4 6 24 हो जाएगा, यहां से 4 3 12 और फिर 4 3 12 हो जाएगा दोस्त। ठीक है, 2 बचेगा, फिर हो जाएगा 4 6 24, 3 बच जाएगा 38 हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा दोस्त, और फिर क्या हो जाएगा 5 20 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया आपका, जब इतना आ गया बीच में क्या छिपा हुआ है, गुणा। अब गुणा कैसे करना है, 100 से करना है दोस्त। आप बताइए, जब किसी भी संख्या में दशमलव वाला हो चाहे पूर्णांक हो, हम जब गुणा 100 से 10 से 1000 से करते हैं, तो गुणा करना हमको आता है, जितने शून्य रहती हैं दशमलव उतना ही क्या होता है, दाएं साइड भाग जाता है, तो कितना हो जाएगा, दशमलव एक स्थान तक है, क्या हो जाएगा, 6 3 3 6 9, 2 शून्य से गुणा करना है ना 100 से, दो स्थान जाएगा इधर, क्या हो जाएगा 50, इतना आंसर आ गया दोस्त। ठीक है, तो ये मैं समझाया तो आपको थोड़ा लंबा लगा होगा, इतना लंबा भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए ध्यान से, 25 100 बन जाएगा। ठीक है, 100 बन गया दिमाग में, 100 बन गया, 100 से गुणा करना है, वो गुणा को रहने दीजिए, जो भी आंसर आएगा यहां पे उसमें 2 शून्य बढ़ा देना है। ठीक है, 100 तो बन गया,
100 किससे गुणा करने पर बना? 4 से गुणा करने पर बना, ठीक है, 100 बन गया। तो भाग भी 4 से करना पड़ा ना, तो जो जिससे आप गुणा करते हैं उसी से क्या करिए, आप उसके बगल वाले को भाग कर दीजिए। हमने वही किया, 4 से हमने गुणा किया, 100 बन गया, तो हम 4 से ही क्या किया, इसमें भाग कर दिया दोस्त, तो इतना आ गया। तो आइए देखते हैं थोड़ा और कैसे फास्ट कर सकते हैं हम लोग। देखिए दोस्त, सवाल नंबर 2, क्या है 100 बन सकता है? हाँ 100 बन सकता है। इसमें किससे गुणा करने को 100 बनेगा? 8 से बनेगा, 12.5 है दोस्त, 12.5 गुणा के 25, 25 चौक को 100, ठीक है, तो 12.5 गुणा 25 हो गया, और 25 25 चलाएगा 4 होता ना 100 हो जाएगा, तो उसमें कुल कितने 8, मतलब 12.5 बाटी कितना हो जाएगा 100, क्यों 25 25 25 25 चार बार रहेगा 100 हो जाएगा, और उस 25ों का आधा कर दिए 12.5 12.5 हो जाएगा, कितने 12.5 बनेंगे 8, 12.5 बनेंगे। मतलब कहने का ये हमारा है कि 8 से आप गुणा करेंगे तो 100 बन जाएगा, ठीक है। जब 100 बने कितना कैसे करेंगे इसको, 3 2 5 3 2 गुणे 12 पॉइंट कितना 5 दोस्त। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब हम इसमें 8 से गुणा करेंगे तो 100 बन जाएगा, तो 100 को भूल जाइए, वहां पड़ा हुआ है, दोस्तों यहाँ बढ़ा लीजिएगा। अब क्या करिए, किससे गुणा करने पर इसमें 100 बना है, 8 से, तो 8 से आप भाग डायरेक्ट कर लीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 चौक को 32 जाएगा दोस्त, यहां से फिर क्या होगा 8 7 6 8 8 6 48, 6 बार जाएगा 5 बचेगा, फिर कितना जाएगा 8 6 48 जाएगा दोस्त, ठीक है, 4 बचेगा 8 5 40 हो जाएगा दोस्त। और ध्यान दीजिए यहाँ पे 100 है ना छिपा हुआ, गुणा 100 भी तो करना है, क्योंकि हम यहाँ से जब 8 से गुणा किए थे, 8 से किए थे, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 100 हो गया दोस्त, और इस 8 से हमने भाग कर दिया ना आ गया, तो गुणा 100 से करना अभी है, तो 100 गुणा करना कितना हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा यहाँ से, और दोस्त जाएगा ऐसा हो जाएगा दोस्त, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, तो कितना फास्ट हो गया। देखिए इसको हम और फास्ट कर लेते हैं, ये 100 तो नहीं बनेगा, 1000 बन सकता है, कैसे ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्त ये 125 है, दूना करेंगे 250 हो जाएगा, और 250 250 चार गो रहेगा तो 1000 हो जाएगा, ठीक है, तो 250 में तो दुगुना 125 बनेंगे, तो 125 दूना के 250 और 250 चौक को 1000, तो 250 250 चार रहेगा तो 1000 बनेगा, और हर 250 का आधा 125 रहेगा, तो जब चारों का आधा करेंगे तो 125 125 कितने बनेंगे 8 बनेंगे, सिंपल प्रश्न समझा रहा हूं दोस्तों आपको, तो कितना होगा 8 से ऊपर से गुणा करना पड़ेगा, ये दिमाग में कर लीजिए, बहुत फास्ट कर पाएंगे, तो ये तो हो जाएगा 1000, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बन गया 1000, 8 से भाग कर दीजिए, तो करना बस क्या था, आपको एक काम करना था, सीधे सीधे 8 से गुणा करने पर 1000 बन रहा है, तो वो तो दिमाग में आपके सेट हो गया कि 1000 यहां पे है, 8 से गुणा कर दिया, तो आप 8 से भाग कर दीजिए बगल वाले को, 8 से भाग करते हैं कितना आएगा, देखिए 8 चौक 32, ठीक है दोस्त 0 हो जाएगा, 8 7 56, 100 और आएगा यहां पे, ध्यान दीजिए थोड़ा बढ़िया से भाग करिएगा, 8 7 56 हो जाएगा 11, 8 1 8 हो जाएगा दोस्त, दशमलव हो जाएगा, 3 हो जाएगा 8 3 24, 6 8 7 56, 8 5 40 दोस्त, इतना आ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे गुणा किसे करना है, अभी गुणा करने में यहाँ पे 8 से गुणा किया हूं ना, यहाँ पे तभी तो 8 से भाग किया हूं, तो यहाँ 1000 बाकी है ना, यहाँ गुणा करना है 1000 से, तो क्या करेंगे दशमलव हटा देंगे, और चूंकि 1000 से गुणा करना है तो 3 शून्य होता है 1000 पर ना, 3 शून्य पिछके किसी दशमलव खिसक जाएगा, तो 1 2 3 ये आप क्या हो गया आंसर हो गया दोस्त। बात में समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा अच्छी बात है, समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इसको बार बार देखिए, नोट बनाइए, समझ में ये भी आ जाएगा दोस्त। धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।